नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, तावर्क से संबंधित विलोम इसमें देखेंगे। इससे पहले जो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सब पर्यायवाची और एक वीडियो मैंने एक घंटा का डाला हुआ है। ये बात सुनिए, इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो मैंने एक घंटे का डाला है हिंदी का। उसमें थंबनेल में लिखा है कि क्या क्या चीज़ है, उसको आप बेहाई करके, ठीक है भाई, बेहाई करके एक घंटे देख लीजिए। अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर ना हो जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो डाले हैं, उसको देखिए आप लोग, क्योंकि उसको मैंने बनाया था अपने लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बनाया था, इसलिए थोड़ा फास्ट बना दिया है। और फास्ट बनाने के अलावा ये चीज़ है कि जय साईं बाबा और नाम वाम भी उसमें बोल दिया हूँ, क्योंकि उसको कभी अपलोड करने का सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल चलाऊंगा। लेकिन अब वही चीज़ फिर दोबारा रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, तो उसी को हम डाल दिए। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, उसमें थोड़ा डकार कर ले लिए हैं, जैसे बेमन से पढ़ रहे थे वैसे ही, जैसे जब पढ़ने का मन नहीं करता है तो रिकॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, बेमतलब की बात ज़्यादा हो जा रही है। ता वर्ग से संबंधित, तामसिक का होता है सात्विक, तामसिक का होता है सात्विक, ताना का होता है भरनी। अब देखिए, ताना का क्या होगा, भरनी होगा। अब देखिए, ताना मतलब होता है ताना मारना, और भरनी मतलब होता है जो आपके विरोध में रहेगा वो अपने दिल में उस चीज़ को भर लेगा लेकिन आपको ताना नहीं मारेगा। तो ताना का क्या हो जाएगा, भरनी हो जाएगा। तारीफ का क्या होता है, शिकायत। और तिमिर का क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश माने उजाला, अभी हमने तिमिर माने अंधेरा होता ही है। तिमिर माने इन सब माने अंधेरा होता है। अंधेरा का क्या हो जाएगा, प्रकाश। तीव्र का हो जाएगा मंद, ठीक। तुच्छ का हो जाएगा महान, जैसे नहीं कहते तुच्छ प्राणी है तो उसके विपरीत जो होगा वो महान प्राणी होगा, ठीक है। तरुण का होगा वृद्ध, ठीक है। अब देखिए, तरुण माने होता है अरुण या जवान, तरुण माने अरुण या जवान होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध। और त्रिशा की होती है तृप्ति। तो देखिए, दोनों एक ही तरीके से लग रहा है तो इसको ऐसे याद करिए, त्रिशा का विलोम होगा तृप्ति। अब देखिए, थलचर, तो जो थल यानी जमीन पे चलने वाला हो, जलचर जो पानी में चलने वाला हो, ठीक है। थोक का होगा फुटकर, थोक रेट में आप सामान बेचते हैं, जैसे जो बड़ा व्यापारी होता है थोक रेट में बेचता है, तो उसका विपरीत होता है फुटकर या परच्यून। नहीं कहते हम फार्च्यून का दुकान है, यानी फुटकर बेचने वाले की दुकान है, जनरल स्टोर है, ठीक है। तो फुटकर, परच्यून, थोक। दानी का होता है कंजूस, और दुरुपयोग का होता है सदुपयोग। दुरुपयोग का क्या होगा, सदुपयोग। दुर्जन का होगा सज्जन, और धर्म का होगा अधर्म। धर्म का पर्यायवाची के विलोम क्या होगा, अधर्म। ध्वंस का होगा निर्माण। अब ध्वंस को कैसे याद करेंगे, ध्वंस को ऐसे याद करेंगे जैसे विध्वंस, कोई चीज़ घर और गिरा, अगर गिर गया कोई आंधी आई तो लोग कहते हैं अरे यार इतना बड़ा विध्वंस आ गया कि सबका घर है गिर गया, पेड़ उखड़ गया। तो ध्वंस या विध्वंस माने गिरना, और निर्माण उसका विपरीत होता है। घर गिर गया तो उसका निर्माण करवाएंगे तो हो जाएगा। धूप का छां, ठीक है। उसका नख का सिख, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी आ गया नख, नख का क्या होगा, सिख होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नागरिक का होगा ग्रामीण। नागरिक को इस तरीके से याद करेंगे, नगर मतलब नगर में जो रहने वाला है उसे नागरिक कहते हैं, और गांव में जो रहने वाला है उसे ग्रामीण कहते हैं। निषिद्ध का होता है विहित। अब इसको भी देखिए याद करना पड़ेगा, निषिद्ध माने, निषिद्ध का होता है विहित। यही सब आने वाले हैं और इसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है। निषिद्ध का क्या होगा, विहित। निर्लज्ज का होगा सलज्ज। निद्रा का होगा जागरण, तो जागरण का निद्रा हमने पढ़ा था अभी।
निराकार का होगा साकार, निश्चल का होगा छली, छली का हमने पढ़ा था, अब निश्चल हो गया। नमक हराम का हो गया नमक हलाल। देखिए नमक हलाल मतलब, नमक हलाल मतलब सही आदमी, जो आपके नमक का कीमत चुका दे उसी को नमक हलाल कहते हैं। और नमक हराम मतलब जो आपका नमक खाए और आप ही से दुश्मनी करे। निषेध का होता है विधि, विधि माने होता है कानून बनाना, ठीक। और निषेध मतलब होता है कानून तोड़ना। जैसे आपने कह दिया कि भाई यहाँ पे आप डस्टबिन बना दिए, और कह दिए कि कोई भी गुटखा खाएगा तो इसी डस्टबिन में थूकेगा, रेलवे स्टेशन पे होता है, तो आप क्या करेंगे, इस डस्टबिन में नहीं थूकेंगे आप, ये ऐसे थूकेंगे यहाँ जाएगा यहाँ नीचे। यानी कानून तो बन गया, आप उसको निषेध मतलब उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। विधि का मतलब निषेध का विधि हो जाएगा। निश्चेष्ट का होगा सचेष्ट, निश्चेष्ट का होगा चेष्ट माने चेष्टा करना, तो निश्चेष्ट का होगा सचेष्ट। दिन का होगा रात। अब देखिए दीर्घकाय का होगा कृशकाय। वैसे दीर्घकाय का होना चाहिए लघुकाय, लेकिन लघु तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो कृष माने क्या होता है, कृष माने होता है लघु। कृष माने आप याद कर लीजिए किसान, लघु छोटा, ठीक है। तो कृशकाय मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, और दीर्घकाय मतलब हो जाएगा बड़ा। कृष माने किसान समझ लीजिए, कृषक। दाता का होता है सूम। अब देखिए दाता मतलब होता है डोनर, और सूम मतलब होता है रिसीवर, ठीक। तो सूम मतलब हमेशा आपको क्या याद रखना चाहिए, सूम मतलब रिसीव करने वाला, सूंघने वाला, सूंघ के रिसीव करने वाला। तो दाता मतलब डोनर और सूम मतलब रिसीवर। अब देखिए दक्षिण का बाम होता है, दक्षिण का विलोम क्या होता है, बाम होता है, ठीक है। दृढ़ का क्या होता है, दृढ़ मतलब जैसे एकदम आप दृढ़ आदमी, तो जो दृढ़ नहीं होता वो क्या होता है, विचलित होता है। दुर्बल का क्या होता है, सबल होता है। दूषित का क्या होता है, स्वच्छ होता है। धीर का क्या होता है, अधीर होता है। धार्मिक का क्या होता है, अधार्मिक होता है। न्याय का क्या होता है, अन्याय, न्याय का अन्याय। नाम का क्या होगा, नाम का देखिए अनाम होगा। नाम मतलब जिसके पास नाम हो, अनाम मतलब जिसके पास नाम ना हो। निरर्थक का क्या होगा, सार्थक, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए एक आ गया फिर वही, नेक का बद होता है। नेक मतलब नेकी करने वाला, बद मतलब बदतमीजी करने वाला। नेक मतलब जैसे आप मान लीजिए अभी कोई लड़की है, वो फंस गई है कहीं पे, गई अपने भाई के साथ, ठीक है, और उसके भाई साहब बीमार हो गए, वो वहीं पे फंस गई, परीक्षा दिलाने भाई साहब गए थे और वहीं पे फंस गई, ठीक है। तो अगर भाई जो है उसका दिमाग गड़बड़ हो गया, अपनी बहन को नहीं पहचान रही है, तो जो देखने वाले होते हैं, भीड़ लगाते हैं ना, देखने वाले में कुछ लोग कहेंगे कि ये इसका भाई है, अगर भाई चीन ही नहीं रहा है तो कहेगा वो मेरी बहन नहीं है। और कुछ बदतमीज होते हैं जो कहेंगे भाई नहीं है, इसके जैसी लड़की बहुत इधर उधर टहलती है, ठीक है। तो बत माने बदतमीज भी उसी में कुछ रहेंगे, लेकिन एक आदमी उसमें ऐसा रहेगा जो नेक यानी नेकी करने वाला होगा, ठीक है, जो कहेगा ठीक है बहनी, बहन जी, जैसे आप किसी की भी बहन बेटी हो, आप हमारी भी बहन हैं, मैं आपके साथ मतलब जहाँ आपको जाना है वहाँ पे मैं आपको छोड़ देता हूँ, या कोई व्यवस्था करता हूँ तो वहाँ पे छोड़ देता है। अब देखिए निंद, निंद का होता है बंद, निंद का होता है बंद, ठीक है। नैतिक का होता है अनैतिक, और निराशा का होता है आशा, और निर्मल का होता है मलिन। निर्मल मतलब साफ सुथरा, मलिन मतलब मैला, ठीक है, मैला कुचैला। नया का होता है पुराना, और नित्य का होता है अनित्य। नित्य मतलब जैसे नित्य मतलब क्या है, डेली वाला काम, डेली इसका मतलब है।
और अनित्य मतलब डेली नहीं, ठीक। निर्माण का ध्वंस अभी हमने पढ़ा ही है ऊपर, ठीक है। अब देखिए तीसरा का जो होगा बी तीसरा होगा, तीसरा का क्या होगा बी तीसरा, तीसरा तो यहाँ पे अलग हो गया, इसमें बी जो लगेगा क्या लगेगा वी उपसर्ग तीसरा वाले में। ताप का हो गया शीत, ताप मतलब होता है हॉट और शीत मतलब होता है कोल्ड, ठीक है। और देखिए तिक्त, तिक्त मतलब क्या तीखा, और मधुर मतलब क्या मीठा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता है शार्प, तीक्ष्ण मतलब होता है शार्प। तो कुंठित मतलब क्या होता है, जो शार्प ना हो, जो बहुत तेज ना हो, शार्प का मतलब यही होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि आपकी तलवार बहुत शार्प है, तो शार्प तो बहुत तेज होता है, तो जो शार्प नहीं होता वो कुंठित होता है, मतलब एकदम बेकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए तुकांत का अतुकांत, और त्याज का त्यागने मतलब घर त्यागने वाला और घर रहने वाला, ग्राह अभी पढ़े थे। तुल का अतुल, किसी लड़के का नाम अगर अतुल है तो उसमें आ हटा देंगे तो तुल बन जाएगा। तृप्त का अतृप्त, कोई आदमी अगर तृप्त है तो उसमें आ लगा देंगे तो वह अतृप्त हो जाएगा। थोड़ा का बहुत, दयालु का निर्दय, दयालु मतलब दया करने वाला, निर्दय मतलब निर्दय मतलब दया ना करने वाला। और देखिए दुर्दांत माने शांत होता है, शांत मतलब बड़ी शांति बनाने वाला, और दुर्दांत मतलब एकदम पूरा उपद्रव कर दिया है, शांति से एकदम बैठ ही नहीं सकता है। दानों का होगा देव, देव माने भगवान, दानों माने राक्षस। दुर्गंध का होगा सुगंध, और धनी का होगा निर्धन, और धारा माने पृथ्वी, और गगन माने आकाश, नर माने आदमी, नारी माने औरत। नूतन का होगा पुरातन, नूतन मतलब न्यू और पुरातन मतलब ओल्ड। निर्दय का होगा सदय, निर्दय मतलब जिसके पास दया ना हो, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे निर्दय का क्या होगा दयालु, या दयालु का क्या होगा निर्दय, तो वही चीज़ अब यहाँ पे ना से आ गया निर्दय। निर्दय का क्या होगा दयालु, दयालु अगर ऑप्शन में नहीं है सदय होना चाहिए, मतलब सदय दया करने वाला। निरामिस का होगा सामिस, ठीक। निरा, अब देखिए सामिस तो ठीक है, निरा में निर्धन सामिस लिख सकते हैं। किसी किसी का जैसे आप संधि विच्छेद करेंगे तो अगर एकदम सही आ रहा है समझ लीजिए वही विलोम है, ये भी थोड़ा ट्रिक है। निरामिस का क्या होगा सामिस, और नैसर्गिक का क्या होगा कृत्रिम। अब फिर वही बात है कि कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल और नैसर्गिक मतलब नेचुरल, ना से नैसर्गिक और ना से नेचुरल, और कृत्रिम क्या होगा उसका विरोम विलोम होगा। नगद का उधार, नीरस का सरस, नीरस मतलब जिसमें रस है ना हो, सरस मतलब जिसमें रस हो। निर्गुण का सगुण, नगर का गांव, निर्जीव का सजीव, न्यून का अधिक, नहीं कहते न्यून कोण अधिक कोण। दुराचारी का सदाचारी, दुरा दुरदुराना, सदा ठीक है भाई, दुराचारी का सदाचारी, दुराशय के सदाशय, दुराशय के सदाशय। देय के अदेय, देय माने देने वाला, अदेय मतलब नहीं देने वाला। दिवा का रात्रि, दिन रात। दृश्य का अदृश्य, दृश्य मतलब दिखाई देना, अदृश्य मतलब दिखाई ना देना। अब वही देखिए बात आ गई दुःशील, दुःशील का क्या होगा सुशील। हमने पढ़ा था कर्कश का सुशील, कर्कश माने बहुत कठिन, सुशील माने बहुत सुशील आदमी, एकदम सरल आदमी। तो वही कर्कश मतलब कड़ा या दुःशील, दुःशील मतलब भी कड़ा हो जाएगा तो उसका सुशील हो जाएगा। दोष का गुण होगा, दोष अगर है तो उसका गुण हो जाएगा। धृष्ट का विनीत होगा, इसको याद करना पड़ेगा। धृष्ट का क्या होगा विनीत होगा, विनीत माने सुंदर होता है, और धृष्ट माने एकदम बेकार तेकार आदमी। नश्वर का शाश्वत होगा, ठीक। अब देखिए नश्वर का शाश्वत होगा चिरंतन, चिरंतन का नश्वर होता है, तो ये शाश्वत और चिरंतन भाई है, और नश्वर नश्वर भाई हैं, तो नश्वर का शाश्वत भी याद रखिए और चिरंतन का नश्वर याद रखिए। निर्दोष का सदोष,
निंदा की स्तुति, निंदा मतलब निंदा करना और स्तुति मतलब गुण गाना। निष्काम का सकाम, निष्काम का सकाम। निरक्षर का साक्षर, निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा ना हो, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा हो। निडर का कायर, निडर मतलब जो डरने वाला ना हो, मतलब बहादुर, और बहादुर का क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। नरक का स्वर्ग, निर्धन का धनी, नकल का असल, नकल मतलब नकली, असल मतलब असली। नास्तिक का अनास्तिक, नास्तिक मतलब भगवान को ना मानने वाला, आस्तिक मतलब मानने वाला। नकारात्मक का सकारात्मक, और नेकी का बदी, नेकी का क्या होता है, बदी। नेकी मतलब नेक करने वाला, बदी मतलब बदतमीजी करने वाला। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से देखिए ये वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, और सब्सक्राइब आप भी अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।